अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी आज मेरा नवासा शाजल ये भी ड्रामा देखने के लिए आया है, तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलते हैं गेटअप की तरफ। ਸਾਡਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਲਿਆ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਕਿਆ जंगल सब तो पहले की चीज नजर आई गुलैरी ते पिछो की यकदम जानवर एक लंघे या कुछ भी लंघे की नजर आया गिदड़ उस तो बाद अगे गए हो अगे रस्ते में चाबियां का गुच्छा पे यार ये की करी जा रहे यार तू बेची ले चैनल यार सानू जी कोई गल गल कर रहे हैं अली लाल चैनल के बारे में कुछ कहे ना चैनल शाहिद खान व्लॉग व्लॉग शाहिद खान साहब इस वक्त हम महफिल थिएटर में मौजूद हैं चिट्टा साहब मेरे पास हैं बड़ी टीम के साथ बड़ा ड्रामा इश्क ने चावे गली गली और आप बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा बंद कर दे क्योंकि वो सानू ज्यादा लाइक नहीं कर नहीं नहीं तेनू ते लाइक कर दे तेनू अच्छा मैं कह रहा जंगल से सब तो पहले तेनू केड़ी चीज मिलेगी तो मैं कहने लगा था तेरे वर्गा कां हालांकि मैं ही रहने गया कैसी जहालत है चंगे भले ही रहो तुम कहां कह रहे हो ये जो बंदे पता भाई अपने होटल से कुछ तो कहो तेरे को कहता दो चलो जी शाहिद खान साहब के चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो
कमेंट करो और बेल आइकॉन का बटन पुश करो। जी मैं इंग्लिश क्या सारा कहूँ शाहिद खान व्लॉग बहुत प्यारा चैनल रंगारंग प्रोग्राम मेरे नहीं नहीं इस गल नु छड्डो ओ ते हो गई इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और बेल आइकॉन का और बेल आइकॉन का बेल आइकॉन का बटन दबाए इमीडिएटली नहीं नहीं दबाए नहीं बेल आइकॉन का बटन पुश करें इमीडिएटली विदाउट टाइम वेस्ट बेल आइकॉन का बटन कॉम अच्छा बेल आइकॉन का बटन दबाएं और विजिटेबली किया कहते हैं इमीडिएटली विदाउट टाइम इसको लाइक करें बहुत अच्छा चैनल है और इसमें बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड आएंगी चिटे ने चिराग रगड़िया तो विचो जिन दे बच्चे निकले डरन ही ना हो इनू एही कह के चली जा ओ चूहे ओ बांदर छेड़ छेड़ ओना कहना उठो ताड़ी हो गई हूं कहो जी के द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड इस चैनल में आएंगे द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड इन द चैनल द ਮੰਜਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿੱਟਨ ਉਹ ਮੰਜੀ ਪਾਇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆਣੀ ਸੀ ਗਲੈਬ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕੁਛ ਐ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਵਲੌਗ ਸੇ ਆਪ ਓਏ व्यूअर्स शाह खान व्लॉग बहुत अच्छा व्लॉग आपको दिखाते हैं और अभी भी ये शान है कि उन्होंने व्लॉग का भी काम किया है हम लोग अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने आके गड़म शाहिद खान व्लॉग शाहिद खान व्लॉग को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन ऑन करें आप क्या कहेंगे बाकी फनकार चैनल हैगा तुहानू पता है जिंदगी का घाटा वाधा चलता रहा सही गल तो मैं बड़े बड़े फनकार देखे ने तौबा का मुकाम है अच्छा तुसीं कुत्ता खाधा क्यों खल बार लगी है ना इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस चैनल नजर आते रहेंगे शाहिद खान व्लॉग लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो टली दा बटन टन मैं हूं फिरोजा अली और मैं इस टाइम मौजूद हूं महफिल थिएटर में जहां बहुत ही खूबसूरत ड्रामा लगा हुआ है ड्रामे का नाम है इश्क नचावे गली गली बहुत ही खूबसूरत कास्ट के साथ और बहुत ही खूबसूरत एक नई कहानी के साथ देखने जरूर आइएगा इसमें बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी है डॉक्टर अजमल मलिक साहब की डायरेक्शन है और शाहिद खान साहब स्पेशली उनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर है आप एक नए अंदाज में देखेंगे महफिल थिएटर देखने जरूर आइएगा इश्क नचावे गली गली और आप चैनल देख रहे हैं शाहिद खान व्लॉग्स जरूर देखिएगा इनके चैनल पे बहुत अच्छी तमाम आर्टिस्टों की एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है बहुत ही अच्छा फैमिली चैनल है इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच वेलकम जी अब हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं इस हमारे ड्रामे इश्क नचाए गली गली की मेन हीरोइन जो शादो का रोल पूरी दुनिया पे छाया और जब से थिएटर पे ये रोल किया है तो ये भी छा गया है मेरी मुराद आफरीन परी जी से बड़ी प्यारी बड़ी मजी हुई फनकारा वेरी वेरी फेवरेट फनकारा शाहिद खान व्लॉग चैनल है मेरा खुशामदीद कहता हूँ बड़ा अच्छा रोल किया और बकायदा क्योंकि ये फिल्म मैंने पांचवी या छठी में पढ़ता था जब ये फिल्म देखी थी मैंने अच्छा। और मेरी नजर में दुर्दाना रहमान साहब ने बड़ा काम किया लेकिन ये उनका काम अमर हो गया आउटस्टैंडिंग तो आपने उनका रोल किया उससे पूरा इंसाफ किया कैसा कोशिश की मैंने और इतना अच्छा लगा मुझे आपको पता है ना शाहिद साहब आप मेरे मोस्ट सीनियर हैं इंसान की क्रेडिट के कुछ लाइफ के क्रेडिट की चीजें होती हैं तो ये मेरी लाइफ में जो क्रेडिट की मेरी चीज है उनमें से एक चीज है कि जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी आपको पता है कि सदा जो है जवानी तो नहीं रहती ना तो जब एक एज में जाएंगे तो अपने यही वो वाले कैरेक्टर्स और ये वाला काम देख के हम लोग महसूस होंगे और इंजॉय करेंगे जिसे लोग भी मुद्दतों याद रखेंगे मैं बड़े वो काम कर रही हूँ आप जो बंदा अपनी लाइब्रेरी में या किसी को बताता है कि मैंने फलां ड्रामे में ये रोल किया जी बिल्कुल और ये डबल शेड का नाजरीन रोल था आफरीन जी का पहले कॉमिक है और फिर उसके बाद जब इस पे जबर होते हैं और जबर करने वाला भी तो सामने खड़ा है बिल्कुल बहुत वो जो करता है तो फिर ये इन्होंने जो बोली है आउटस्टैंडिंग बोली जी मैं तो जो बोली हूँ जो करेक्टर आपने किया है क्या बात है मैं कहती हूँ कि अप्रिशिएटेड है सेकंड ये कि हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ शाहिद खान साहब से मैं हमेशा ही मैं ये देखती हूँ कि डॉक्टर साहब का जून सा भी ड्रामा होता है उसमें सबसे जो टफ रोल होता है वो शाहिद खान साहब को मिलता है और इनको देख के हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और ये डॉक्टर अजमल साहब के तारीफ करना चाहता हूँ कि वो मेरे कंधों पे ऐसा बोझ डालते हैं और मेरे लिए वो
चैलेंज बना देते हैं, फिर मैं उस चैलेंज को कबूल करता हूँ। आप पूरा इंसाफ करते हैं और यकीन जाने कि ये मैं बात कहूंगा साकी खान, आप और भी जितनी पूरी टीम है, अरशद भाटिया साहब जो मेरे उस सीन्स में होते हैं, वो सारे मंजे हुए फनकार हैं। बिल्कुल है। वो बिल्कुल क्यू प्रॉपर देते हैं, बिल्कुल टाइमिंग पे बात करते हैं, इसीलिए मुझसे ये ऐसा अच्छा रोल हो गया। फ्रेंड्स यकीन जाने कि बहुत सारे ड्रामे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि जी खुला ड्रामा ये होता है कि उसमें काफी मार्जिन होता है हमारे पास कि अगर आज हमने एक लाइन कही है तो कल उसको हम थोड़ा सा चेंज करके, लाइन वही होती है बट उसको थोड़ा सा चेंज करके भी डिलीवर कर सकते हैं, बट इसमें मार्जिन ही नहीं है। जो चीज आपने डे वन से की है डे एंड तक भी आपको वही एज इट इज ही करनी है। अगर आप इतना सा भी अपने कैरेक्टर से बाहर हो तो तमाम लोगों का पूरा एक सीन डिस्टर्ब होगा। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हंसती रहें, खेलती रहें, मुस्कुराती रहें। तो नाज़रीन, किसी और व्लॉग के साथ आपके सामने दोबारा आपका शाहिद खान हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।